राधे राधे प्यारे बच्चों, माई सेल्फ दिलीप यादव, और आज हम उपस्थित हैं आपके बीच में कुलामसला और इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर के। बहुत सारे बच्चे ग्रुप्स में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में न्यूमेरिकल्स पूछ रहे हैं, संभव नहीं हो पाता है उतने समय में आपको समझा पाना, इसलिए हम आज वीडियो में आए हैं और कोशिश करेंगे कि आपको कुछ न्यूमेरिकल्स हम समझा के जाएँ। कुलामसला एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में एक न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज में, उसमें कहता है कि एक क्यू कुलाम चार्ज है, क्यू कुलाम चार्ज, और इस चार्ज को दो भागों में बांटना है। इस तरह से बांटना है कि उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम हो, जबकि डिस्टेंस एक प्रॉपर आर है। मान लीजिए इस तरह से आर डिस्टेंस है ये, और इस डिस्टेंस में आपको चार्जेस बांटने हैं, राइट। तो इस क्यू के दो हिस्से करने होंगे, लेकिन ऐसे हिस्से कि यहाँ पर रखने पर उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम हो। तो फोर्स मैक्सिमम कैसे हो सकता है, आप इसको देखिए ज़रा। जैसे मैं मान लो इसका एग्जांपल ले लूँ, अब इसको अगर हम कंपटीशन अप्रोच में पढ़ाएँ तो हम ये कहेंगे कि क्यू को कुछ मान लेंगे। जैसे हमने मान लिया क्यू 8 कुलाम है, राइट। इस 8 कुलाम को अगर हम भागों में बांटेंगे तो एक पोर्शन हो जाएगा 1 कुलाम एंड 7 कुलाम, 1 कुलाम एंड 7 कुलाम। इसको 2 कुलाम और 6 कुलाम कर सकते हैं, तब भी 8 आएगा, यह भी 8 आएगा। 3 कुलाम और 5 कुलाम कर सकते हैं, तब भी 8 आएगा, ठीक है। 4 कुलाम और 4 कुलाम कर सकते हैं, तब भी 8 आएगा। फिर आगे इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये घटता जाएगा, लेकिन अब रिपीट होने लगेंगी बातें। देखिए, ये सब स्प्लिट कर दिए आपने, 8 कुलाम को इतने भागों में आपने बांट लिया। अब अगर यहाँ पर हम Q1 Q2 लगाएंगे कुलामसला के माध्यम से, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के, इस तरह से कुलामसला आपने पढ़ रखा है। यहाँ पे जब आप Q1 Q2 निकालेंगे तो 7 आएगा, यहाँ पे जब आप Q1 Q2 निकालेंगे तो 12 आएगा, यहाँ पे आप Q1 Q2 निकालेंगे तो 15 आएगा, और यहाँ पे अगर आप Q1 Q2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो आपने ये बात देखी कि Q1 Q2 का सबसे बड़ा मान ये आया। ये कब आया? ये तब आया जब हमने 8 कुलाम को ठीक दो बराबर भागों में बांटा। यानी यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि मैक्सिमम फोर्स प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी चार्ज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे तो फोर्स मैक्सिमम नहीं होगा। लेकिन ये एकेडमिक अप्रोच नहीं है, ये कंपटीशन का अप्रोच है। इस तरह की बातें कंपटीशन में ही सही मानी जाएंगी। तुम्हें किसी एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से सवाल को समझना है और लगाना है। यूँ नहीं कि बस उत्तर आ गया, ऑप्शन मिल गया, आपको तो एक्सप्लेन करना है। तो इसलिए जो है ये बात सही नहीं है। आगे चलेंगे, अब इसको हम हल करते हैं दूसरे मैनर में, जो इसका प्रॉपर मैनर है। मान लीजिए इस क्यू का एक हिस्सा स्मॉल क्यू है, तो इसका जो दूसरा हिस्सा होगा वो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू होगा, मान लेते हैं। और ये हमने चार्जेस बना दिए हैं यहाँ पर, और ये क्यू है, ये कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू है, बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक। इनके बीच का जो फोर्स होगा वो होगा एफ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ऑफ कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। यही तो कुलाम का नियम कहता है। अब देखिए, यहां पर हम कैलकुलस यूज करेंगे, और ये अगर हम देखें तो ये जो स्मॉल क्यू है ये एक वेरिएबल है, एक चर है, एक्स की तरह काम कर रहा है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ये बनेगा, सपोज करो यहां हम एक्स लिख लें, तो ये बनेगा क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अर्थ ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये एक द्विघात समीकरण हो गया,
और द्विघात समीकरण में मैक्सिमा मिनिमा को गेन करने के लिए हम एक कंडीशन यूज करते हैं, वो है डी एफ या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर वही यूज हो जाएगी, डी एफ बाई डी क्यू इक्वल्स टू जीरो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा मिनिमा, राइट। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे डी एफ बाई डी क्यू इक्वल्स टू जीरो। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू ऑफ कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने में क्या आएगा, ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन केवल क्यू माइनस ये क्यू स्क्वायर होगा तो टू क्यू इक्वल्स टू जीरो, टू क्यू इक्वल्स टू क्यू एंड क्यू इक्वल्स टू कैपिटल क्यू बाई टू। यही अभी हमने आपको बाई ट्रिक समझाया था कि आप दो भागों में बांटते जाइए, गुणा करते जाइए, जिसका मान ज़्यादा आ जाएगा वही उत्तर सही हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि कैपिटल क्यू चार्ज को दो बराबर भागों में बांटने पर अगर हमें मैक्सिमम फोर्स गेन करना है तो उसके लिए चार्ज को ठीक बराबर भागों में ही बांटना पड़ेगा, अदरवाइज फोर्स मैक्सिमम नहीं मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेंगे और एनसीईआरटी की ये जो प्योर एनसीईआरटी की बुक है उसका एक क्वेश्चन उठाएंगे। इसमें लिखा है टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10^-8 कूलम एंड -10^-8 कूलम रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी शोन इन द फिगर। क्लियर, बात करेंगे टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10^-8। दो पॉइंट चार्ज हैं जिनका मैग्नीट्यूड है 10^-8, राइट, एंड ये पॉजिटिव सिंबल के साथ है, ये नेगेटिव सिंबल के साथ है, यानी एक तरह का डाइपोल बन रहा है, मैग्नीट्यूड बराबर है, साइन अपोजिट है। आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट, यानी डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 0.1 मीटर है। रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट, फिगर बना हुआ है और कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। ओके, ए बी एंड सी हम आपको दिखा देते हैं। इन्होंने इस पॉइंट पर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.9 है, आप जिसके भी पास एनसीईआरटी हो आप देख सकते हैं। तो ये पॉइंट ए है, इन्होंने यहाँ पूछा है, इन्होंने सी पर पूछा है, यहाँ पर पूछा है, और इन्होंने एक बी पॉइंट बना रखा है पॉजिटिव साइन से 0.05 मीटर अपार्ट, मतलब कहीं यहाँ 0.05 मीटर अपार्ट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम एट पॉइंट ए की बात करेंगे, जितना इस वीडियो में होगा उतना ही होगा, बाकी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। बच्चों पॉइंट ए बिल्कुल मिड में है, यानी यहाँ से डिस्टेंस होगी 0.05 मीटर और यहाँ से होगी 0.05 मीटर, होगी कि नहीं होगी, यानी यहाँ पर इसके भी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और यहाँ पर इसके भी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण अपार्ट फ्रॉम पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, टुवर्ड्स टू नेगेटिव होगा, यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में जुड़ेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं, देखिए हम स्पीड थोड़ी बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये बातें आपको समझनी चाहिए और चैप्टर अब आपको याद कर लेना चाहिए बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज तो आएगा
ई वन इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ मैं, ये 10⁻⁸ बाई आर स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर, राइट। डायरेक्शन आप फिगर में देख रहे हैं। अब देखिए जब हम एज वेल एज ई टू, तो जब आप ई टू कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम है कि ई टू का भी ये चार्ज सेम है, ये माइनस से यहाँ कोई मतलब नहीं है, केवल डायरेक्शन देखनी है, मतलब मैग्नीट्यूड यही आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं होगा, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इक्वल्स ई वन प्लस ई टू, राइट। तो यहां से आएगा ई वन प्लस ई टू, माने दोनों सेम है तो आप दो से मल्टीपल कर सकते हैं, ये वैल्यू रख दीजिए 9 × 10⁻⁹ को सॉल्व करोगे तो केवल 10 बचेगा, बाई ये नीचे है 5 × 10⁻², मीन्स 25 × 10⁴। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ तो होगा E इक्वल्स टू 2 × 9 × 10⁵² / 25, क्लियर। इसके अगर दो पावर आप दे दें अलग से, 100 इसको बना दें तो 25 × 100 हो जाएगा, राइट। ये मैं लिख सकता हूँ 2 × 9 × 10�³ × 4, क्योंकि इसके 10⁻² को अलग कर दो तो ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका जाएगा 72 × 10�³ 7.2 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर आपका आंसर आएगा, राइट। एट पॉइंट ए ये आपका फील्ड आएगा, सो 7.2, जी यही आंसर आ रहा है आपका। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.9 आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो आप देख सकते हैं। अब आइए बात करेंगे पॉइंट बी की। मैं आपको पॉइंट बी में केवल हिंट दे के छोड़ दूंगा, अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिएगा कि सर मुझे नहीं आया या मुझे आ गया। आप लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि आप लोग कमेंट बॉक्स का यूज करके रेस्पेक्टिवली अपनी बात को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोगों के ज़्यादा कमेंट नहीं आते हैं लेकिन आने चाहिए आई थिंक, ताकि हम लोग और बेहतर कर पाएँ काम। अब पॉइंट बी की बात करते हैं, ये प्लस है, प्लस के कारण प्लस से दूर होगा, ये माइनस है, माइनस के कारण माइनस की ओर होगा। अब प्लस से ये डिस्टेंस 0.05 है लेकिन माइनस से ये डिस्टेंस इतनी नहीं है, माइनस से डिस्टेंस है 0.1 + 0.05, बात समझ में आ रही कि नहीं, यानी टोटल कितनी बनी 0.15। तो ये 0.15 टोटल डिस्टेंस हमारी हो जाएगी और इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। दोनों को आपस में घटाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ पॉइंट सी की, जल्दी से आप देख लीजिए पॉइंट सी भी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी में आप क्या काम करेंगे आप जरा उसे देखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी साइड्स में देख लेता हूँ, साइड्स यहाँ भी 0.1 मीटर दी हैं क्वेश्चन में, यहाँ भी 0.1 मीटर। बच्चों ये +10⁻⁸ था, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा तो यहाँ से दूर होगा, मतलब कुछ ऐसे, और ये नेगेटिव चार्ज है इसके कारण इसकी ओर होगा। आप जान रहे हैं कि ये एक डाइपोल की ट्रांसवर्स पोजिशन मिल रही है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहाँ से शुरू होगा, जानते हैं आप सब लोग, बताने की कोई बात नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 120 आएगा। मैं आपको एक अच्छे ढंग से समझाता हूँ और ये ट्रिक भी है। अगर ये 120 है तो मैं आपको फिर यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ, हालांकि ये ट्रिक्स आपके लिए ठीक नहीं है लेकिन समय कम है, प्लीज़ आज आप ट्रिक से ही समझ लीजिए। अगर दो वेक्टर्स कभी इक्वल हैं, अगर दो वेक्टर्स कभी इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल 120 है तो उनका रिजल्ट भी यही आएगा, यानी रिजल्ट विल बी E1 इक्वल्स टू E2। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1/4πε₀ q/r² 9 × 10⁹
एंड द वैल्यू ऑफ क्यू 10 की घात माइनस 8 बाई आर स्क्वायर 0.01। इसको सॉल्व करेंगे, दो जीरो यहाँ इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर, ये 9 और 2 11, 8 माइनस होगा 3, 9 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट पर मीटर, प्लस से माइनस की ओर, टूवर्ड्स प्लस टू माइनस, डायरेक्शन इसकी हो जाएगी। बच्चों, प्यारे बच्चों, आज के क्लास यहीं तक, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ भेज दीजिए आगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सब समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद।